बार बार गिर तो नहीं रही है ना? तो गिरी देख रही। देखो ये चबाने जैसी एक्टिविटी कर रही है, ये रस्सा खा भी रही है। चला देखे उधर उधर चला भाई, वापस उधर चला। बस ये ऐसे ही कर रही है। रेत खा रही थी क्या? रेत भी खा रही है। दूध की क्या स्थिति है? दूध ठीक है भाभी, तो 5 किलो दूध है, लेकिन गैस वाली को दूध 17 लीटर एक टाइम का था। अच्छा अच्छा 17 लीटर। ब्याई हुई है कितने दिन की हो गई? 5-7 दिन की हो गई। 5-7 दिन की हुई है। कल तक बिल्कुल ठीक थी? अब आज सुबह तक ठीक थी ना, ये अब भी कर रही है। नहीं अच्छा किया आपने, अनाज नहीं खिलाया, कोई बात नहीं। ये देखो लगातार ये ऐसे चबाने जैसी कर रही है। एक बार कुछ डाल करके लाना खाने के लिए, इसमें से डाल दो कुछ चारा वगैरह, डालो यहीं पे बांध दे। ये देखो ऐसे चला रही है लगातार। ये देखो बस ये मुंह चलाएगी थोड़ा सा आगे से करो, टाइट रहे, टेंपर से लो ना, कितना जल्दी करो आप, सीनियर टाइट करो, लो 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 सुनो। जी भाई टेंपर से लो, उधर से उधर से उधर से उधर से, अरे ये घुमाया है गलत, तुमने उधर से घुमा, उधर से ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हुआ ठीक है आप। हाँ खींच ले खींच ले, इधर रख रहा है, इधर से खींच ले। हाँ आप गर्दन के ऊपर से ले, बस हो गया। वहीं पे रहो वहीं पे रहो। हाँ टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लेना सीखो कम्प्लीटली। देखो हाँ ऑन करके गुदा द्वार के अंदर डालना है, और अंदर डाल करके फिर थोड़ा तिरछा कर लेना है। देखा आपने कैसे ले रहे? हाँ सर। अंदर डाल करके थोड़ा सा तिरछा कर दो, ये पहला स्टेप है टेम्परेचर लेने का। ध्यान रखो टेम्परेचर लेना तो आना ही चाहिए। कितना आ रहा है? 102.3। बस देखो यहाँ बांध देना, अब इसके सामने कोई रस्सा नहीं है, फिर भी मुंह तो चलाएगी चलाएगी। आराम से काम में लो, कोई तकलीफ नहीं है। ये जो एक्टिविटी कर रही है ना, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, कोई रेबीज वगैरह नहीं है, पागल कुत्ते वाला मामला नहीं है। आपको मुझे पता है डर लगा आपको, लेकिन कोई डर वाली बात नहीं है। चार साल में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? नहीं 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 ऐसा है ही नहीं। कितना आया? इसका तो बेकार है। 103 103 टेम्परेचर। कहीं पे कोई सूजन वूजन तो नहीं है? गिरी तो नहीं ना एक बार भी? अभी ये शुरुआत है, आराम से ठीक हो जाएगी, ज़्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको थोड़ी घबराहट ज़्यादा हो गई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से ठीक हो जाएगी। ये गोबर कैसा कर रही है? गोबर में कोई तांते वगैरह आ रहे हैं क्या, म्यूकस वगैरह? कुछ नहीं है। हाँ गोबर तो सही है, बस ये एक्टिविटी यही कर रही है ज्यादा। नहीं खाने पीने से प्रॉब्लम नहीं है, खा तो अभी भी लेगी है। डिस्चार्ज तो लगा हुआ रहेगा, डिस्चार्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर देख लीजिए क्या है, क्या मामला है, क्या उस गाय की तरह है या थोड़ा सा अलग है, कुछ अच्छे तरीके से लिख के भेज दीजिए ताकि ले लेते हैं अगले में। और मिलते हैं नेक्स्ट।